पूर्व विधायक ने पत्रकार वार्ता में राम मंदिर मामले में उठाए कई सवाल। पत्रकार वार्ता में राम मंदिर की भूमि शून्य सहित क्रेता विक्रेता व अधिकारी पर कार्रवाई की मांग। बता दें कि मझगांव में श्री राम मंदिर जमीन की खरीदी बिक्री के मामले पूर्व विधायक अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर मझगांव के श्री राम मंदिर की भूमि की रजिस्ट्री शून्य के साथ ही क्रेता भाजपा नेता व सांसद प्रतिनिधि की पत्नी व विक्रेता सहित संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। कार्रवाई नहीं किए जाने पर कांग्रेस चरणबद्ध आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी है। बता दें कि ग्राम मझगांव तहसील बेमेतरा जिला के खसरा नंबर 465 रकवा 166 हेक्टेयर लगभग 4.5 एकड़ भूमि को भाजपा नेता व सांसद प्रतिनिधि अनिल माहेश्वरी ने अपनी पत्नी प्रभा माहेश्वरी के नाम से जानते हुए कि वह भूमि श्री राम मंदिर की संपत्ति है और वह सार्वजनिक न्यास की भूमि है। जब ग्राम मझगांव की ये भूमि बेची जा रही थी तो वहाँ पटवारी भाजपा पार्षद का सगा भाई था जो श्री राम मंदिर के भूमि का नक्शा खसरा B1 उपलब्ध कराया गया था, जिसे प्रारंभिक जांच में कलेक्टर ने भी ग्रामवासियों की शिकायत में की गई जांच में सही पाया। 4 अक्टूबर को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा 2 पटवारियों को निलंबित किया है। पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा ने पत्रकार वार्ता में कहा कि ग्राम मझगांव में श्री राम मंदिर की भूमि बिना कलेक्टर की अनुमति के मंदिर भूमि के विक्रय का प्रावधान नहीं है, लेकिन कलेक्टर से अनुमति लिए बिना क्रय विक्रय करके जनमानस की भावना को ठेस पहुंचाया गया है। सन 2020 को जमीन को फिर से बिक्री की गई थी। गलत तरीके से भूमि का क्रय विक्रय का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें लगभग खसरा नंबर 465 रकबा 1.66 हेक्टेयर लगभग 4.5 एकड़ की जो भूमि है उसका क्रय विक्रय गलत तरीके से अवैध तरीके से किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता का नाम सामने आ रहा है कि नेता ने उस न्यास रामचंद्र न्यास की भूमि को खरीदी है और खरीदने के बाद क्रय करने के बाद दोबारा मुनाफा कमा के पुनः उसका विक्रय करने का काम किया है। जो यहाँ के हमारे सांसद प्रतिनिधि है अनिल महेश्वरी, उनकी पत्नी प्रभा महेश्वरी का नाम इसमें प्रकाश में आया है कि प्रभा महेश्वरी ने उस न्यास की भूमि का क्रय किया, पहले क्रय करने के बाद मुनाफा कमाया और मुनाफा कमाने के बाद दोबारा उस भूमि का उन्होंने विक्रय किया है। इससे ये बात स्पष्ट होता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की कथनी और करनी में अंतर है, राम नाम जपना और राम कमाल अपना। लगातार इस तरीके से बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की संलिप्त इसमें सामने आ रही है, नेता उसमें लिप्त है और उनके जो परिवार के सदस्य हैं आदरणीय मोहनलाल साहू जी, इनके पिताजी काशीराम साहू जी ने ही उस भूमि को दान में दिया था। 2 दिन पूर्व ये मुझसे आके मिले और पूरी घटना को इन्होंने अवगत कराया है। हमारी मैंने आज समझ पत्रकार वार्ता ली है, पत्रकार वार्ता में मैंने पूरे जो मेरे पास कागज़ थे, जो भी मेरे पास डॉक्यूमेंट्स थे इस मामले से जुड़े, वो मैंने आप सबके सामने में रखे हैं। हमारी इसमें मांग है कि सबसे पहले इस भूमि की जो रजिस्ट्री है उसको शून्य की जाए। दूसरा, इसमें जो गलत तरीके से क्रेता और विक्रेता क्रय और विक्रय हुआ उसके खिलाफ 420 का मामला दर्ज तत्काल दर्ज होना चाहिए। तीसरी बात कि 2 पटवारियों को उसमें सस्पेंड किया गया है, लेकिन पटवारियों के साथ साथ जिन्होंने उनको निर्देश दिया नकल देने के लिए, तहसीलदार का नाम इसमें सामने आ रहा है, लिखित आदेश तहसीलदार ने जारी किया है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जो चौथा, जो यहाँ का ट्रस्ट जो न्यास को गलत तरीके से बैठ के बेमेतरा के राम मंदिर न्यास को गठन इनके माध्यम से किया गया है, उसका पुनर्गठन हो, यहाँ के प्रबुद्धजीवी वर्ग लोगों को उसमें शामिल किया जाए, कुछ समाज पत्रकार साथी भी उसमें रहे, कुछ व्यापारी वर्ग के लोग रहे, अच्छा गठन हो सके ताकि ये जो लगातार अवैध बिक्री का मामला लगातार प्रकाश में आ रहा है राम चंद्र भूमि का, न्यास की भूमि का, ये रोक सके। अच्छे लोग ट्रस्ट में आएंगे तो निश्चित रूप से ट्रस्ट का संचालन अच्छे तरीके से होगा। इन मांगों को लेकर हमने यहाँ पे पत्रकार वार्ता रखी है। जिला अध्यक्ष भी आदरणीय परिवारजन जो दानदाता परिवार के सदस्य हमारे साथ हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष जी आदरणीय जिलावन साहब सब है। निश्चित रूप से क्रमबद्ध तरीके से कांग्रेस पार्टी इसमें आंदोलन करेगी। पहले एक कांग्रेस का डेलीगेशन जाके जिले के कलेक्टर को हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे और आने वाले समय में इसमें एक बड़ा आंदोलन, जन आंदोलन, जन भावनाओं